हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शकील रजा और आप देख रहे हैं शकील हॉर्स ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी घोड़े के पीछे या आगे अगर आप खड़ा होकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं या वीडियो शूट करवा रहे हैं तो क्या आपका आपको वो घोड़ा जानता नहीं, कभी अनजान घोड़ा है, नया घोड़ा है और आप कभी भी ऐसे जा रहे हैं और घोड़ा कहीं देख लिए हैं या अभी और आप फोटो खिंचवा रहे हैं पीछे से या आगे से, तो आप क्या ये सही है या गलत है, या घोड़ा आपको मारेगा या नहीं मारेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आज से 2-4 दिन पहले की बात है कि मेरे इस घोड़े का ही घटना आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, कि ऐसे ही मेरा घोड़ा हरी घास वो अपना खा रहा था तो हमको एक लड़का फ़ोन किया, मेरा दोस्त है, कि वो बोला यहाँ पर आओ, तेरा घोड़ा यहीं पर ये हरी घास खा रहा है और ले जाओ। तो हम ऐसे ही किया, वहाँ पर देख रहे हैं तो मेरा दोस्त को पीछे से मारने का ये कोशिश किया था। तो किस लिए कोशिश किया था मारने का, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और किस तरीके से आप घोड़े के पास जाएं तो वो आपको नहीं मारेगा, इसके बारे में भी आप बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को। तो मेरे इस घोड़े के पास दो लड़का सामने इस घोड़े के सामने गया और एक लड़का का मतलब मन हुआ कि चलो भाई घोड़े के सामने या आगे पीछे हो के मैं अपना फ़ोटो शूट करवाऊँ। तो हमसे वो पूछा भी नहीं कि हम फोटो खिंचवा सकते हैं या हम वीडियो शूट करवा सकते हैं इस घोड़े पे। तो हमसे वो सिर्फ बात इतना ही किया कि यहाँ पर घोड़ा तुम्हारा हरी घास खा रहा है, आओ और ले जाओ, शाम हो गया है। तो इतना ही बोला, हमको ये नहीं बोला कि हम फोटो शूट करवा लें या वीडियो हम करना चाहते हैं तो क्या करवा सकते हैं। तो बस गलती उसका यहीं पर था, एक गलती यहीं पर था उसका कि जो मालिक है उसको ज़रूरी, आप अगर किसी भी घोड़े पे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं या उसके वीडियो शूट करना चाहते हैं तो पहले आप मालिक से थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। आप जानकारी क्या लें और किस तरीके से लें कि मालिक सामने रहे, आपको जब क्या पूछना है सबसे पहले कि हम क्या आपके घोड़े पे हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, तो अपने वो मालिक अपने तरीक़ा से वो बताएगा, समझा के कि किस तरह से आपको फ़ोटो खिंचाएंगे तो अच्छा होगा, कि आप पीछे इसको पीछे से छू के खिंचवाएंगे अच्छा रहेगा या आप आगे से पकड़ के खिंचवाएंगे तो अच्छा रहेगा या फिर आप बैठ के आप खिंचाएंगे अच्छा रहेगा, वो आपको मालिक ही बता के आपको डिसाइड करेगा और मालिक अपना सामने खड़ा रहेगा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो लड़का यही गलती किया कि हम वहाँ पर नहीं थे और वो फ़ोटो शूट करने के लिए चल गया और किस पोजीशन में खड़ा हुआ था ये भी आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, और मेरा घोड़ा जो उसको लात मारने की कोशिश किया था वो भी आप बता रहे हैं किस तरीके से कोशिश किया था। तो देख सकते हैं जैसे कि इसी तरह वो अपना नीचे करके ये हरी घास खा रहा था और वो लड़का जो है इधर इस पोजीशन में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हाथ रख के इसका पिछला हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पर हाथ रख के इस तरह से वो लड़का खड़ा था। तो जैसे ही ऐसा खड़ा था और एक लड़का उधर से फ़ोटो खींच रहा था, तो जैसे वो फोटो खींचने के लिए वो मोबाइल निकाला तो ये घोड़ा गुस्सा हो गया और पीछे का पैर उठा के मारने की कोशिश किया तो वो लड़का साइड हो गया, कुछ इस तरह से साइड हो गया और उसका चोट नहीं आया। तो बस उसका गलती यही था कि मालिक मतलब हॉर्स का मालिक जो होता है वो सामने नहीं था और आप वो फ़ोटो शूट करने के लिए चल गया, तो जैसे में हम सामने आए तो हम दूर से ही देखे कि उसको मारने की कोशिश किया तो हम जैसे ही गए तो लड़का को बोले कि क्या बात है, थोड़ा तुमको देख के गुस्सा क्यों रहा है, तो बोला ऐसा बात है, हम सामने गए तो वो हमको मारने का कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ, जो लड़का पीछे उसको टच करके जो फ़ोटो शूट करवा रहा था उसको हम आके उसको समझाएं कि देखो भाई, देखो ऐसा गलती ना करो, जब हम ना रहें, जो घोड़े का मालिक जब ना नहीं रहेगा तो उसको उसके सामने जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर देखो सामने अगर जाएगा उसका तो क्या होता है ना, वो डर जाता है, सोचता है हमको पकड़ने आ रहा है ना क्या करने आ रहा है, और अगर मालिक रहेगा और तुम उसके सामने अगर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मालिक सामने खड़ा होता है, उसका हर मूवमेंट को वो अच्छा से समझता है कि आगे वो क्या करने वाला है या कुछ भी वो गुस्सा हो रहा है तो मालिक आगे ही बोल देता है कि देखो उसका करीब मत जाओ, वो गुस्सा हो रहा है या कुछ भी है, तो उसको हम अच्छा से समझाएँ, देखो जब हम रहेंगे तो अब तुम आराम से फ़ोटो शूट करना या जो करना है तुम कर लेना, ऐसे हम नहीं रहेंगे, तुम आप अकेले आके ऐसे इसके साथ ऐसे छुएगा इधर उधर छुएगा तो ऐसे गुस्सा हो जाता है सबसे। और एक बात, ये घोड़ा जो है मेरा गुस्सा क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका गुस्सा होने का यही रीज़न था कि ये देखिए, कोई भी घोड़े को जब वो अपना खाना खा रहा है, कोई भी हरी घास या कुछ भी जब खा रहा है तो उसको आप टच ना करें और उसको आप तंग ना करें,
अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, इसका जो है उसका मन खराब हो जाता है, सोचता है हमको मतलब अजीब इसको लगता है। जब इसको खाने का टाइम अगर डिस्टर्ब करते हैं तो अजीब लगता है, तब ये मारने की कोशिश करता है, बोलता है मतलब इसको यही कि जाओ दूर जाओ, हमको अभी खाने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो यही बात है, अगर घोड़ा कभी कहीं खा रहा है वो कोई भी चीज़ या हरी घास या कोई भी, तो उसको डिस्टर्ब ना करें आप खाते समय। और एक बात, जब भी इसके सामने जाएँ फोटो या वीडियो शूट कर रहे हैं तो क्या हो ना, मालिक से एक बार आप ज़रूर बात कर लें, और मालिक अगर सामने रहेगा तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा, क्योंकि अब मालिक को देखेगा तो ये कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको फ़ोटो या वीडियो ही शूट करना है तो आपको किस तरह से आपको फ़ोटो शूट करना है। और एक बात, आप जब भी फ़ोटो या वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप घोड़े का, जिस घोड़े पे आप फ़ोटो या वीडियो शूट कर रहे हैं उसका मालिक सामने रहना चाहिए, और उससे आप थोड़ा बात कर लीजिएगा अच्छा से कि हम बैठे या ना बैठे और किस तरीके से खड़ा हो, ताकि घोड़े को भी कोई दिक्कत ना हो और अच्छा से आप फ़ोटो भी क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले पर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि वो लड़का इस पोजीशन में खड़ा हुआ था, तो आप मेरा जो कहें, मेरे हिसाब से, मेरा राय से, आप ये पोजीशन में फ़ोटो ना खींचे, मतलब इसके पीछे खड़ा होकर फ़ोटो, आप मेरे अगर राय लीजिएगा तो हम तो बोलेंगे कि ऐसा पीछे होकर खड़ा आप फ़ोटो ही मत शूट करवाइए। अगर आपको फ़ोटो ही शूट करवाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप आराम से इसको आगे पकड़ के इसका आगे से फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे घोड़े पर बैठ कर भी फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मालिक अगर आपके सामने रहे तो, अगर ऐसे आप अनजान हैं, आपके सिर्फ घोड़े के पास कभी गए भी नहीं है और उसके साथ आप जा रहे हैं, यहाँ छू रहे हैं या पीछे छू रहे हैं और फ़ोटो करवा रहे हैं, और आपको जानकारी भी नहीं है घोड़े के बारे में ज़्यादा कि ये किस तरीके से घोड़ा ये करता है, ये कहाँ छूने से गुस्सा होता है या क्या होता है, और मालिक जो होता है उसको मतलब पता होता है कि मेरा घोड़ा क्या किस तरीके से ये व्यवहार में अच्छा रहता है, तो वैसे मालिक से आप बात करके आराम से आप फ़ोटो या वीडियो जो भी है शूट कर लीजिए। तो यही आप लोगों को जानकारी देना चाहता था छोटा सा, ताकि आप अगर ऐसा अभी कभी भी अगर करते हैं तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें कि घोड़े के मालिक से एक बार बात कर ले जब भी आप फ़ोटो या वीडियो शूट कर रहे हैं, और आप जब भी फ़ोटो या वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसको पीछे से टच करके या पीछे खड़ा होकर आप ऐसा वीडियो शूट ना करें, ऐसा क्या होगा, आप ही को नुकसान होगा। और एक बात, किसी भी घोड़े को जब वो अपना खाना खा रहा है, हरी घास या कुछ भी आप जब खा रहा है, तब फोटो या वीडियो आप करने की कोशिश ना करें, ऐसे क्या होता है इसको मतलब डिस्टर्ब फील होता है। तो ये जानकारी हो, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा इस छोटे से भाई को इस वीडियो में, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसको आप ऑन कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और मेरे इस चैनल को 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे परिवार में, और मैं चाहता हूँ और जल्द से जल्द और परिवार बड़ा हो और इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, यही, और आप लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट और धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।